कितना मजे से अभी काम भी कर रहा है। ये भी भाई है, वो भी भाई है। अभी आयुष को जबरदस्ती बिठा दिया और बहुत दिन के ऊपर आज बाइक में बैठा हूँ। बहुत अच्छा भी लग रहा है यार गर्मी के। अरे क्या है ये पतुल्ला? क्या है इसे, क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। अल्लाह के रहमत से मैं भी ठीक हूँ और स्वस्थ हूँ दोस्तों। चलो आज का बोलो स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। बाबा भालो, बाबा की खबर भालो? कितना मजे से अभी काम भी कर रहा है। ये भी भाई है, वो भी भाई है। देखो ये लोग अच्छा काम करता है, इसके लिए बहुत सारा टोटो भी इन लोगों के पास आता है काम करने के लिए। ये चाहिए आपको? ये चाहिए आपको? नहीं, इसका बहुत पुराना ड्रीम है, ऐसा वाला साइकिल लेके देना पड़ेगा थोड़ा सा। बोसो, अभी आयुष को जबरदस्ती बिठा दिया और अभी तो कहाँ जाऊँगा वो तो मुझे भी एग्जैक्ट मालूम नहीं है। और आयुष का भी घर पे रखकर आ चुका हूँ, तो चलो अभी अपना जो सन भाई था उसके पास बाइक है और उसी बाइक से जाऊंगा। लेकिन वो अपना जो काम उसका थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हटकर है दोस्तों। वो इलेक्ट्रिक का काम करता है दोस्तों, माल भी लाने के लिए जा सकता है या तो कुछ काम होएगा इसके वजह से मुझे लेके जा रहा है दोस्तों। तो चलो अभी हम लोग थोड़ा सा और सफ़र कर कर आता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा हम लोग मजा कर कर आता हूँ दोस्तों। और बहुत दिन के ऊपर आज बाइक में बैठा हूँ, बहुत अच्छा भी लग रहा है यार गर्मी के मौसम पर। मेरा तो शरीर पूरा पसीना पसीना था और हवा भी लगने के वजह से बहुत अच्छा भी लग रहा है। एसी का ठंडा ठंडा हवा मिल रहा है। चलो यार कहाँ जाऊँगा मुझे भी मालूम नहीं है, उनको मालूम है, जहाँ भी लेके जाएगा चलो घूम कर आता हूँ हम लोग। और सोनिया को इस वाला घर पे छोड़कर गया हो तो मुझे आना पड़ेगा 4 बजे। स्कूल में हम लोग अपना शिक्षा लिया हूँ दोस्तों, जो 10th क्लास का पहला डिग्री मिला था ये वाला स्कूल से मिला था दोस्तों। और ये बलोचर हाई स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल है ये स्कूल। जब भी देखता हूँ दोस्तों बहुत यादें जुड़ा हुआ है। और यहीं से आपको किधर जाना है आपको तय करना पड़ेगा। जस्ट ये जो अभी हम लोग जिस रास्ते पर जा रहा हो ये रास्ता चला गया कलियाचक रास्ता, ये भी NH 34 में जाकर जुड़ता है दोस्तों। अरे रास्ता चला गया उमरीती साइड, मतलब कि इधर से आप जा सकते हो मानिक चौक चाँचोल या तो मालदा, जो भी जाने का है इधर से जा। ना अच्छा अच्छा वो मिट्टी का चीज़ है। सबसे डेंजर जगह है, देख रहे हो बहुत सारा बच्चा, बहुत सारा आदमी गाड़ी या तो मोटरसाइकिल लेके गुजरता है दोस्तों। बहुत संभल कर, बहुत सेपरेट होकर निकलना पड़ता है दोस्तों। और दो साइड में घर है लेकिन बहुत आदमी रहता है इधर, एक एक घर पे तो शायद 4-4, 5-5, 6-6 बच्चा भी होएगा शायद। इसके लिए बहुत डर भी लगा रहता है हम लोगों को, कभी भी हम लोग इधर से गुजरता हो तो बहुत सेपरेट होकर गुजरना पड़ता है। और सामने जो विलेज आएगा दोस्तों वो भी बहुत एक मार्केट है, जैसे हम लोगों का विलेज में जो कासिम बाज़ार मार्केट है इधर भी मार्केट है दोस्तों। इस जगह का नाम आएगा बाबला। फाइनली पहुंच चुका हूँ बाबला। ज़्यादातर इधर हर जगह में देखने के लिए मिलेगा आम का गाछ, इतना मोटा मोटा गाछ है दोस्तों। और अभी तो बहुत दिखाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है,
लेकिन आप सभी लोगों को मैं बहुत कुछ दिखाऊंगा दोस्तों, थोड़ा सा मेरे ऊपर भरोसा करो, मेरे ऊपर विश्वास करके रखो दोस्तों। इतना कुछ दिखाऊंगा दोस्तों कि टाइम बहुत कम गिर जाएगा देखने के लिए। और जस्ट एक चीज़ देखने के लिए मिला, इसी की वजह से अपना सन भाई को बोला कि थोड़ा सा रुको। और देख सकते हो कितना छोटा छोटा बच्चे लोग अभी मच्छी भी मार रहा है। ये तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा कैलवेट है और इसी कैलवेट से पानी भी जा रहा है, इसकी वजह से ये लोग भी मच्छी मार रहा है दोस्तों। जस्ट इधर ही रुक गया हो, इन लोगों का थोड़ा सा कुछ तकनीक कैसे वो लोग मच्छी मार रहा है इसी चीज़ देखने के लिए अभी हम लोग रुक गया हो। अरे ये रास्ता कहाँ गया है मालूम नहीं है, जस्ट ये मेहरापुर स्टैंड ये रास्ता गया है। ये विलेज का नाम क्या है आगे जो चाँदपुर, चाँदपुर पाँच में जाके मिलता है ना ये। हाँ तो ये जो गंगा नदी को रोकने के लिए जस्ट सामने बांध भी है दोस्तों, तो वहीं जाकर ये रास्ता ख़त्म हुआ है दोस्तों। बहुत दिन के ऊपर आया हूँ ना, तीसरा इतना जानकारी है भी नहीं। और ये सब बच्चे लोग अभी मच्छी भी मार रहा है यार, अपना सन भाई को भी देख सकते हो यार, वो भी लग गया है उन लोगों के साथ मच्छी मारने के लिए यार। और दोस्तों देखो यार अपना सन भाई को ये मच्छी मार रहा है, कितना अभी मज़ा ले रहा है बच्चे लोगों के साथ। ये बंसी कितना मोटा है, कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है ना, उस पर चाइना मोगर भी लग जाएगा। और देखो बच्चे लोग अभी अपना मेहनत कर रहा है दोस्तों। तुम लोग को मच्छी मिला है क्या, किधर है, कहाँ पर, अरे ये थैली में है, दिखा थोड़ा। अच्छा ये देखो दोस्तों दिखने के लिए मिल रहा है ना ये मच्छी, ये देख सकते हो यार। अरे क्या है ये, पतुल्ला क्या है, इससे क्या होता है। अरे थैली में बच्चे लोग अभी देखो कितना छोटा छोटा भाई लोग जो है ये मच्छी मारकर ये थैली में रखा है दोस्तों। और देख सकते हो यार ये पानी है, ये वाटर है। हाँ बात तो सही बोला है भाई, लेकिन पानी कितना काला काला है, ये पानी कहाँ से आता है, मतलब कि ये पानी इधर से भी आ रहा है ना, तो होएगा। अरे यार देखो यार ये तो मच्छी मार रहा था, मच्छी बंसी में लग भी जा रहा है लेकिन पकड़ में नहीं आया है, नहीं आ रहा है यार। अरे देखो यार ये कौन सा खाना है, घोंगा है, वो मच्छी को पकड़ने के लिए जस्ट ये थोड़ा सा लालची चीज दे रहा है यार। ये देखो दोस्तों ये जो घोंगा का ये देख सकते हो तकनीकी लगाया है मच्छी को लालची देने के लिए। जस्ट ये घोंगा का जो खाना है जो गोश है दोस्तों उसको वो बंसी में लगाता है। ये लोग मच्छी भी मार रहा है यार। और वो पेड़ में देख सकते हो एक बच्चा भी बैठा है उधर से, वो शायद मच्छी मार रहा है। वो क्या कर रहा है भाई तू उधर, अच्छा ठंडा के लिए बैठा है, इधर तो धूप भी है इसके बाद ऊपर जाकर बैठा है दोस्तों। और उधर आगे जस्ट देख सकते हो धान का खेती खेत भी है दोस्तों, और इधर तो खेती बाड़ी भी होता है, देख रहे हो ना इधर खेती बाड़ी भी होता है दोस्तों। और हम लोग इधर तो बोल रहा हो कि आम का बगीचा ज़्यादा मिल जाएगा, हर हर जगह में अभी देखो सिर्फ आम का गाछ ही गाछ है यार, माशाल्लाह खुश हो गया हो यार। अगर देखो दोस्तों अगर ये जगह आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा है तो जरूर मुझे कमेंट में बताना दोस्तों। और ये बच्चे लोग जब भी मेहनत कर रहा है कैसा लगा, और देखो अभी घर के लिए शायद ये लोग उसका बंदोबस्त कर रहा है दोस्तों, और थोड़ा सा इस पर मस्ती भी हो रहा है उन लोगों का, और बहुत मस्ती करते रहो तो ठीक। अरे चाँदपुर गया है रास्ता, और दोस्तों ये देख सकते हो कच्चू का वन कितना बड़ा बड़ा, कितना मोटा मोटा भी है दोस्तों, देखने के लिए मिल गया है। तो इसके वजह से जस्ट तुम आप सभी लोगों से ये शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। ओके इधर भी अगर मिलता है तो जरूर मुझे कमेंट में बताना दोस्तों, ठीक है। जस्ट देखने के लिए बहुत अच्छा लगा, इसके वजह से बस आप सभी लोगों से शेयर कर रहा हूँ यार। देख रहे हो ना कितना अच्छा अच्छा कच्चू का पत्ता है। और इधर थोड़ा सा ठंडक के लिए हम लोग खड़ा हूँ, जस्ट वो बच्चे लोग तभी तो उधर मच्छी मारा है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम लोग फाइनली यहाँ से निकल रहा हो दूसरा जगह जाने के लिए, जो इनका जो काम है वो करने के लिए हम लोग अभी निकल रहा हो। ये बच्चे लोग अभी इधर मच्छी मार रहा था, इसके वजह से हम लोग रुका था जस्ट उन लोगों का थोड़ा सा देखने के लिए। माशाल्लाह यार खुश हो गया यार, देख सकते हो कितना पोखरी पोखर है यार, और कितना क्लीन और कितना साफ सुथरा पानी भी है। चलो यार ये नज़ारा जो देखने के लिए मिला दोस्तों बहुत खुश हो गया हूँ आज, जरूर कमेंट में बताना कैसा लग रहा है।
इलेक्ट्रिक का काम कर रहा है दोस्तों, जस्ट वो सामान लेने के लिए ये दुकान पे लेने के लिए आया है। और ये मेरा पूरा स्टैंड पे है और बहुत सारा माल मिल भी जाता है। और जस्ट भाई इधर से माल लेने के लिए आया है और इसी इलेक्ट्रिक का दुकान के सामने वो बजाज शोरूम भी है। तो बजाज शोरूम में और अभी हम लोग जिस जगह में रुका हो दोस्तों, इस जगह का नाम है मेहरापुर। जितना भी टाइम लगता है भाई का होने के बाद अभी हम लोग निकल जाऊंगा यार। ये इलेक्ट्रिक का काम करने सामान लेने के लिए आया है और अभी देखो ये काम करने के लिए बैठ गया है। ऐसे वाला फैन बनेगा ना ये, ऐसा वाला। ये हेवेल्स कंपनी का है दोस्तों, बहुत बहुत हैवी है। ज़्यादा हो जाएगा, जब 10 किलोमीटर होएगा तो हम लोग मोथावाड़ी पहुँच जाऊँगा। तो 4 से 5 किलोमीटर होएगा शायद। अभी देखो वो तो स्टैंड का जो भी कुछ जोड़ने का था वो लगा दिया है दोस्तों। अगला का जो भी हवा जो निकलता है वो भी जोड़ेगा। और इससे अभी देखो वो भी निकल गया। ये इसको क्या बोलता है सोकार? देखो यार, क्योंकि जिसको जो काम के बारे में मालूम रहता है उसी को सिर्फ उसके बारे में मालूम रहता है दोस्तों। हम लोगों को क्या मालूम रहेगा यार, इसका काम जो है उसी को सब कुछ मालूम रहता है। ये भाई जो है बहुत मेहनती है। और ये देख सकते हो ये जो पंखे का मोटर जो है निकाल दिया है। कितना हैवी है यार, कितना वजन भी है इसका। भाई देखो क्या लेने के लिए आया था और अभी क्या कर रहा है। अगर ये पंखा हम लोग जोड़ने के लिए जाता तो 2-2.5 घंटा लग जाता है। बहुत हैबिट है इसको, इसके वजह से देखो कितना जल्दी जल्दी भी जोड़ भी दिया है। बहुत हैबिट है भाई, अब वो देख रहे हो ना कितना हाथ भी उसका स्पीड है। ऐसा वो लगेगा है, नहीं इस पे नहीं है, उस पे है। ये वाले पे है, ये वाले पे निकाल लिया। कंपनी भी बहुत हेवी है, इसके लिए इसका पैकिंग भी बहुत हेवी आ रहा है। उसका जो पैकिंग है देख ही सकते हो उधर कितना का कवर है दोस्तों, इसके अंदर से तो पैकिंग भी होकर आ रहा है। अभी निकाल लिया ये जाली। दोस्तों देख सकते हो अभी फाइनली ये पंखा बनकर रेडी हो चुका है। इतना जल्दी ये अभी देखो ये पंखा को अभी फिटिंग कर दिया है दोस्तों। और अभी पंखा बनकर अभी तैयारी है। जस्ट ऐसा ही सेम क्वालिटी है, ये भी हेवेल्स कंपनी का है, ये भी हेवेल्स कंपनी का है। और इसका जो मतलब कि जो भी कुछ है बहुत अच्छा है, आप सब लोग देख ही सकते हो यार। आप चलेगा पंखा, हाँ। अभी इस पर बिजली देने के लिए इसको अभी देखो बोर्ड में भिड़ा रहा है। आप चलेगा नहीं दौड़ेगा भी। अभी नया पंखा का नया हवा निकालने वाला है। ये देखो चालू हो गया, क्या जबरदस्त है यार। वो
जबरदस्त हवा भी लग रहा है, मज़ा आ गया। लगभग मैं 2 से 3 मीटर दूर में हूँ, फिर भी देखो बहुत ज़ोरों से हवा मिल रहा है मुझे, इतना तेज़ी से हवा मिल रहा है यार। ये भाई लिया ऐसा है खरीद कर, दाम को तो बोल रहा दोस्तों, देख सकते हो ये जो पंखा है स्टैंड पंखा है दोस्तों, और हवा भी बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है। ये हेवल्स कंपनी का है, इसका कीमत लगभग 3300 रुपया बोल रहा है। तो अगर लेने का है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा ना, 250 रुपया इधर उधर तो होता ही है, ऐसा नहीं है। और ये भाई साहब खरीद कर लिया है दोस्तों, और देख सकते हो इसका वारंटी कार्ड भी है, देखो तो चाचा ये देखो 1 साल का वारंटी कार्ड भी मिलता है। ये हेवल्स कंपनी का है दोस्तों, वो हेवल्स कंपनी का जो वारंटी है वो कार्ड है, ये लोग का ये चाचा को दे दिया फिर से, और वो भाई साहब लिया है खरीद कर, नया पंखा फिटिंग कर दिया है अपना सन भाई ने। जो भी सामान लेना है भाई जल्दी दे दो और फटाफट चलो, अभी दूसरा काम करना है ना और भी। अभी वो अपना सामान ले रहा है दोस्तों, लेने के बाद अभी हम लोग निकल जाऊँगा। सन भाई आया यार, देख रहे हो ना मेड इन इंडिया, और ये वाला है मेड इन, मतलब कि मेड इन चाइना। बहुत अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, यही चीज़ लेने के लिए जो आया है ना सन भाई, जो उनका प्रेजेंट बहुत अच्छा है। यार देख सकते हो कितना मस्त कलर है, बहुत अच्छा लग रहा है ना यार। वो जब रूम के अंदर या तो डाइनिंग में लग जाएगा तो उसका क्वालिटी भी देखने में बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। और दोस्तों अभी दोनों कलर एक साथ जलाने का कोशिश कर रहा है अपना सन भाई, यार क्या मजा है यार तुमको, ये देखो यार ये दोनों कलर अभी लग गया, बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी दिन के टाइम पे इसके लिए थोड़ा सा अलग लग रहा है, रात पे ना इनका क्वालिटी भी बहुत अच्छा लगता है। और तो यही चीज़ लेने के लिए अभी हम लोग आया था अपना सन भाई के साथ, और अभी ये तो दुकान जो मेहरापुर स्टैंड पे ही है। दोस्तों अगर कहीं भी किसी काम के लिए अगर निकलता हो, 5 मिनट का काम रहता है तो देखो उधर ना जाकर देखो 10 मिनट 15 मिनट हो जाता है, तो बहुत लेट भी हो जाता है। और अभी घर जाऊंगा, घर पे जाऊंगा तो थोड़ा सा डांट भी खाना पड़ेगा, इतना एक टेंशन रहता है। मैं भी बोलकर आया था कि मैं जाऊँगा तुरंत आ जाऊँगा, अभी देखो बहुत लेट भी हो चुका हो और लेट हो चुका हो वो तो बात सही है, लेकिन अभी देखो अपना सन भाई ने ये पंखा भी फिटिंग कर दिया है दोस्तों, इसको भी देखने के लिए मिल गया ना, और आप सभी लोगों को दिखाने का भी मौका मिल गया। तो जरूर दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो जरूर मुझे सपोर्ट कर देना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों। आपका भाई आप सभी लोगों के लिए बहुत कुछ मेहनत करने के लिए जस्ट तैयारी है, तो जरूर मुझे सपोर्ट कर देना, ठीक है। ठीक है आपका भाई बहुत कुछ दिखाने वाले हैं आप सभी लोगों को, और थोड़ा सा देखो मेहनत करने के लिए ना, मैं तो अभी तैयारी हूँ, जस्ट थोड़ा बहुत अगर काम में मोटिवेशन मिलेगा, अगर थोड़ा सा आप सभी लोगों का अगर सपोर्ट मिल जाएगा ना दोस्तों, वो काम करने में बहुत मज़ा आएगा। और मैं तो चाहता हूँ कि आप मोटो ब्लॉगिंग भी करवाऊँगा, तो मुझे तो फिर वो वैसा वाला नया नया बाइक भी खरीदना पड़ेगा दोस्तों, तो बाइक लेने के लिए मुझे तो पैसा भी चाहिए, सपना को पूरा करना दोस्तों। और सबसे पॉपुलर बाइक है दोस्तों T20, पल्सर का जो T20 है बहुत मस्त गाड़ी है दोस्तों, वो सपना है। अगर कभी भी सक्सेस मिलेगा तो ज़रूर मैं वो गाड़ी लेकर आप सभी लोगों को मोटो ब्लॉगिंग करवा कर दिखाऊंगा दोस्तों, तो ज़रूर मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। अपना घर आकर पहुँच ही चुका हूँ, देख सकते हो अपना सन भाई का जो भी सामान है वो भी लेकर अभी अपना घर जाएगा दोस्तों, और अभी मैं घर आकर पहुँच गया हूँ दोस्तों। देखो बोला था कि ज़्यादा नहीं 5 से 10 मिनट का काम है, लेकिन गया तो बहुत कुछ देखने के लिए भी मिला। और चलो भाई जाओ फिर, ठीक है। अभी देखो अभी सामान लेके अभी घर के लिए निकल रहा है, थोड़ा सा तकलीफ होएगा फिर भी जाना तो पड़ेगा उनको घर, और जस्ट अपना घर पे छोड़ने के लिए जैसा वो आया था मुझे, तो मैं भी अपना घर पर आ गया दोस्तों। जो भी है खाना वाना खाना पड़ेगा दोस्तों, नहाना पड़ेगा, उसके बाद फिर बहुत सारा काम भी करना पड़ेगा और भी, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहो दोस्तों।